हाय गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट आ रही थी कि इको एक्सपर्ट और इको एक्सलेंस जो मॉडल है उसमें से बेस्ट कौन सा है। तो इको एक्सपर्ट 49 HP की और इको एक्सलेंस जो 76 HP है उनकी बात करेंगे। भाई काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि कौन सा मॉडल बेस्ट है, पावर जिस किस में ज़्यादा है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, और छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, तो वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखें। और इसमें बता दूंगा आप सभी को कि कौन सा मॉडल बेस्ट है अपने लिए, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल इको एक्सलेंस मॉडल जो है भाइयों बंद हो चुका है, और इसकी जगह पर इको एक्सपर्ट प्लस आ चुका है जो कि 74 HP है, लेकिन वो भी पावरफुल है, जो कि इको एक्सलेंस के मुकाबले है, वो उसके बराबर में है, ठीक है। और इको एक्सपर्ट की बात करते हैं, इको एक्सपर्ट 49 HP है, जो कि लोडर पर इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसे अगर आप बूम के ऊपर यूज करते हैं, एक्सेवेटर चलाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है। और इको एक्सलेंस जो है वो दोनों कामों के लिए बेस्ट है, जैसे हम बूम चलाते हैं या फिर हम लोडर चलाते हैं, तो दोनों काम के लिए इको एक्सलेंस जो मॉडल है वो बेस्ट है। और पावर की बात करें तो पावर इको एक्सलेंस में ज़्यादा है, क्योंकि 76 HP है और एक 49 HP है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। तो पावर की बात करते हैं तो पावर तो ज़्यादा इसके अंदर ही है, इको एक्सलेंस के अंदर। तो यही थी आज की कि यार भाई कौन सा मॉडल में कितना पावर है। तो पावर तो ज़्यादातर आपको इको एक्सलेंस मॉडल है उसके अंदर ही देखने को मिलेगा भाई। और इको एक्सपर्ट का जो है, इको एक्सपर्ट में इतना पावर नहीं है, लेकिन एक्सेवेटर अच्छी तरह से चला लेता है, और माइलेज में की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज है इको एक्सपर्ट मशीन का। तो अगर आप आपके ज़्यादा लोडर नहीं चलता है, तो आप इको एक्सपर्ट मशीन भी ले सकते हैं, बहुत ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको लोडर का काम कम है और एक्सकेवेटर का ज़्यादा है, तो आपको ज़रूर इको एक्सपर्ट बाय करना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेंटेनेंस के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलने वाला है। और इको एक्सलेंस की बात की जाए तो मॉडल बंद हो चुका है, और इसकी जगह पर इको एक्सपर्ट प्लस निकाल दिया है, जिसमें भी काफ़ी दम देखने को मिलता है हमने को। और इंजन चेंज किया हुआ है इसके अंदर, BS6 इंजन निकाल दिया है। बाकी पावर इको एक्सपर्ट प्लस में भी है, तो आजकल ज़्यादातर लोग इको एक्सपर्ट खरीद रहे हैं 49 HP में, क्योंकि माइलेज बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। लोडर का काम अधिकतर लोग नहीं करते हैं, तो जो लोडर का काम करते हैं वो इको एक्सलेंस, जो इको एक्सपर्ट प्लस है उसे खरीदते हैं, और बाकी इको एक्सपर्ट ही खरीद रहे हैं लोग ज़्यादातर, और मार्केट में अभी यही चल रही है। तो माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, इसी वजह से इस मशीन की बिक्री ज़्यादा हो रही है अभी, ठीक है। तो पावर की बात की जाए तो पावर दोनों में यही डिफरेंट है, जितना HP होगा उतना पावर तो ज़्यादा देगा ही। तो 74 HP और 49 HP का इंजन है दोनों में। तो यही थी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।